कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले गैर मुल्कियों के लिए अहम खबर। कुवैत के पहले नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद ने वजारत दाखिला के जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हदायत जारी की है कि वो मुल्क में गैर मुल्कियों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करें। ये हदायत 10 दिसंबर 2023 बरोज इतवार से लागू कर दी गई है, जबकि कार्ड्स की सूरत में लाइसेंस की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। मंजूर होने वाली वजारती क़रारदाद कुवैती बाशिंदों और मुख्तलिफ अकामती ज़मरों में गैर मुल्कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की दुरुस्तगी के मियार की वजाहत करती है और गैर मुल्कियों के लिए एक साल की मुद्दत की तजदीद का तायुन करती है। वजारत दाखिला ने इजाफी वजाहत फराम की है, जिसमें कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की इलेक्ट्रॉनिक तजदीद वजारत की वेबसाइट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के लिए हकूमती एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल की जा सकती है, जिसे सहल कहा जाता है। दरख्वास्त दहिंदगान जो मखसूस शायद पर पूरा उतरते हैं और रेगुलेटरी तकाजों की तामील करते हैं, वो अपनी दरख्वास्तों के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद लाइसेंस को वजारत दाखिला के दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए सहल एप्लीकेशन में ख़ास तौर पर कुवैत मोबाइल आईडी के लेबल वाले हिस्से में फाइल किया जा सकता है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि रियासत कुवैत में रहने वाले अफराद कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्राइविंग लाइसेंस की हैसियत चेक कर सकते हैं। इस बात पर रोशनी डाली गई है कि एक सब्ज निशान दुरुस्तगी की निशानदेही करता है, जबकि सुर्ख निशान मियाद ख़त्म होने की निशानदेही करता है, जिसके लिए या तो सहल एप्लीकेशन के ज़रिए तजदीद की ज़रूरत हो सकती है या ट्रैफिक के जवाबित की तामील में वापसी की ज़रूरत हो सकती है। कुवैती लाइसेंस होल्डर्स के लिए इन तरीक़ाकार पर अमल करते हुए जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट से राबता ज़रूरी है। मज़ीद बारह मुल्क भर में सामान ले जाने वाले घरेलू ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर इस फैसले से मस्तस्ना हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले कुवैत के बाशिंदे अपने मुतलका ममालिक से जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। ये हमवार तरीका कार डिजिटल तब्दीली के लिए वजारत दाखिला के अज़म के मुताबिक हैं, जिसका मकसद कारकर्दगी को बढ़ाना, तरीक़ाकार को आसान बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और अवामी फंड्स को बचाना है। आज के खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए कुवैत न्यूज़ सेंटर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।